Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six by Truth always exposes darkness. Of course, आज का जो prediction है आप शायद thumbnail में देख ही रहे होंगे that who is your destined partner, किस तरह का experience रहेगा आपको इनके साथ and definitely वो किस तरह के होंगे, nature, qualities, characteristic features, okay, height, looks wise, physical appearance, everything. सो हम प्रोफेशन की भी बात करेंगे, करियर, उनकी करियर किस तरह से है वो भी हम बात करेंगे. अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, डेफिनेटली सेकंड या थर्ड, बिकॉज डेस्टाइंड पार्टनर मतलब ये आपकी ही भाग्य से जुड़े हुए रहेंगे हमेशा. सो इसी शुभ शुरुआत के साथ ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ते हैं. और इस चैनल का पर्पस जो है मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, टू प्रोवाइड यू क्लैरिटी, आपको साफ साफ बताना, टू शो यू व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी, टू जॉइन स्पिरिचुअलिटी विथ प्रैक्टिकलिटी. ठीक है, सो यहाँ पे चॉइसेस है, आप बाय पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, टाइमलेस है. And definitely this is a general prediction, guys. Okay, and please channel को like share subscribe जरूर करें, Instagram में follow करें @sudakshina1369 for daily reels. Please follow me on Instagram, YouTube stories जरूर देखें for the angel numbers and definitely different updates. So for group A, अगर आपने ये picture को select किया है so of course ये reading आपका होगा. For group B, अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो ये आपका होगा. अगर आप पॉज करके, अगर आप डीपली फोकस करके सिलेक्ट कर सकते हैं तो बाय पिक्चर कीजिएगा, उससे भी आसान उपाय है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कीजिए. सो फॉर ग्रुप ए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, दैट इज 1st, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th and 31st, तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपका है. फॉर ग्रुप नंबर बी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 3rd, 4th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 20th, 21st, 25th, 26th, 27th and 30th, तो ये रीडिंग आपका है. तो चलो देख लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डेक से मैंने शफल करके रखा है. अगर मैं शफल करने जाती आपके सामने तो बहुत ज़्यादा समय लगता, लास्ट में हम इनिशियल्स देंगे तो आपको और क्लियरेंस मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो हाई हेलो ग्रुप ए, सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th and 31st, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपकी है. और अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है सो ऑफकोर्स ये आपकी ही रीडिंग है. ये जो कार्ड्स मैंने बहुत दिन के बाद यूज़ किए, छोटा पैकेट बट बहुत बड़ा धमाका है, बहुत ही एक्सपेंसिव डेक है ये, बट इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव. ओके, सो वी डू हैव द फोर ऑफ कप्स यहाँ से है, आपको मैं दिखा देती हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. ठीक है, ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं, वी डू हैव द ट्रस्ट. ओके, वी डू हैव द वेट. ओके, वी डू हैव द अबंडेंस. ऑल राइट, इस कार्ड को हम यहाँ पे रखते हैं. We do have threefold riddle. Okay. Magic carpet 27, 25th. Okay. 8, 10, 4 is important. 52, 25 and 52. Rose garden. Wali, that is the chariot card. यहाँ पे है 7 of coins. 777, 777. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Okay. 4 of cups. सो 4 of cups 2 times है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं. वी डू हैव द 2 of swords. ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे, वी डू हैव द फाइट. ओके, अब देख ही रहे हैं कि कितना कार्ड्स है, तो अगर मैं शफल करने जाती तो अराउंड मोर 15-20 मिनट्स लग ही जाता उसमें. ठीक है, बेसिकली आइडिया है कि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर पाऊँ. ठीक है, ओके, हर एक कार्ड को एक्सप्लेन किया जाएगा सो डोंट वरी. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो है, सिंह राशि यहाँ पे है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कैंसर, पिसेस, स्कॉर्पियो। अगेन वी डू हैव द लियो इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, 7, 7, 4, 4, 8, 10, 10, 10, 0, 1, 27, that is 9, 25th that is 7, again 52 that is 7, okay, all right, so let's start. So ये इंसान किस तरह से होंगे, ये जो भी इंसान है, ठीक है, यहाँ पे रख दो तो बेटर है, ओके, ये जो भी इंसान है काफी ज्यादा आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये ना इनको समझना आपके लिए पहली दफा में तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक पजल की तरह है, ठीक है। आई एम वेरी फ्रैंक विथ माई प्रेडिक्शन, दे आर वेरी मच यू कैन से लाइक दैट कि इनको समझने के लिए जैसे तीन गुना यहाँ पे क्या है, थ्री फोल्ड रिडल आप यहाँ पे इनको देख पा रहे हो, नहीं आपको पता है ये लड़का या लड़की है, नहीं, ठीक है, ये कौन है आपको नहीं पता, ये अनजान है, ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आप नहीं पहचानते हो, कुछ लोगों के लिए आप पहचानते तो हो लेकिन ये सीक्रेट रखे हैं, बहुत कुछ चीज़ सीक्रेट्स रखते हैं इसलिए इट्स कवर्ड, राइट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपके पर्सन को जैसे होता है ना कि आप वो वीडियो गेम शायद खेले होंगे, एकदम ट्रेजर बॉक्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लेवल्स को क्रॉस करने पड़ते हैं, और पजल जो भी सॉल्व करेगा फास्ट फास्ट वो जल्द से जल्द वो जो खजाना है उसमें पहुंचेगा। तो आपके पर्सन को समझने के लिए, आपके पर्सन एक खजाना की तरह है, ठीक है, ही और शी इज लाइक अ ट्रेजर, जो उसको पाने के लिए सांप है सामने, बिच्छुए है सामने, ठीक है। सो इट इज लाइक मोर देन दैट, लाइक ऑफ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, इसलिए इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाता है। आप लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है, अरे कितना इंतजार करे, अरे कितना हम वेट करें, लोगों की तो शादी हो रही है, आसपास की तो देखो नॉर्मल है, तो मेरी लाइफ इस तरह से क्यों है, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन लाइफ पर्पस। ये इंसान कब आपकी जिंदगी में आ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ, इधर तो हो सकता है जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ चल रहा होगा, मे बी यू गॉट अचीवमेंट्स, ठीक है, हो सकता है कि अचीवमेंट्स आपको मिल रहा है, या फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको उनके पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, सो डिवाइन टाइमिंग इज ऑलवेज वर्किंग। लाइक आई डू फाइंड कि शायद बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो रीडर्स के पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, हो सकता है कि आप खुद ही टैरो कार्ड्स को शफल करना भी जानते हैं और आपको पता है कि ये इंसान कैसे दिखने में होंगे, क्या होंगे, और अगर नहीं पता तो शायद आप पहले ही कंसल्ट कर चुके हो किसी को, मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर, राइट। कुछ लोगों के लिए आप इनकी इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से, मे बी आप इनको जानते हो और आप बहुत टाइम से इंतज़ार करो कि ये कब हाँ बोलेंगे। एंड हाउ इज़ दिस पर्सन, आई डू फाइंड लाइक ये इंसान जो भी होंगे ना काफ़ी ज़्यादा फैमिली से काफ़ी जुड़े हुए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इनके फैमिली में ऐसा कोई हो सकता है कि जो थोड़ा सा मेंटली हैंडीकैप्ड हो या चैलेंज्ड हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, बहुत दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट है, वो दूर के रिश्तेदार भी हो सकता है, आई डोंट नो बट आई फाउंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ है इनके इनकी जो बैकग्राउंड था, ठीक है, कुछ स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा नहीं था बट आई डू थिंक सो कि इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, इनके वंश में शायद इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, अपना करियर वाइज इन्होंने अपने आप को सेटल किया है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा किया है, तभी जाके इनको अभी जिंदगी में ना खुशबूदार चीज़ें प्राप्त हो रहे हैं। आई डू फाइंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, वेरी मच सिंसियर एंड ड्यूटीफुल, दे आर ऑलवेज लॉयल टू देयर जॉब, ठीक है, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वफादार है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम ये इंसान कर सकते हैं बाई साइड बिजनेस और समथिंग, अगर ये कोई कॉलेज में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ठीक है, लेक्चरर है, तो इनकी साइड बिजनेस इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन ये कर सकते हैं, उस तरह से है, हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं,
अगर ये मीडियम क्वालिफाइड भी होंगे तभी भी इनके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। हमेशा इनके लाइफ में थोड़ा एक्साइटिंग चीज़ें होने चाहिए। ये हमेशा लोगों को बहुत बिकॉज टू देर आर टू टाइम्स फोर ऑफ कप्स, दोनों ही मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आप लोग। और आपकी ज़िंदगी अगर जब से आप इनको देखेंगे ना, आई डू फाइंड दिस इज़ अ होटल और समथिंग और अ प्लेस कि जहाँ पे ये इंसान आपकी आपको बहुत ज़्यादा ना परीक्षा करेंगे, जैसे परीक्षा लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, ट्रायल होगा आप दोनों का। इस तरह से आप भी इनको जज करना शुरू कर देंगे और ये भी। सपोज आप फर्स्ट मीट में इनके सामने गए और आप थोड़ा सा लेटे रहे इस सोफ़ा में, और तो ये देखते रहेंगे इस चेयर में बैठ के, ये करती क्या है, करते क्या है। ओके, जेंडर वाइज आप लोग ऐसा। और जब आप अपने ज़िंदगी में काम कर रहे होंगे सो यू विल मिस ईच अदर वेरी बैडली, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे आप लोग। ये इंसान हमेशा ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, कभी कभार इम्पेशेंट हो जाते हैं कि धैर्य नहीं रहता कि कब तक ये इस पेड़ में फूल आएगा, फल आएगा, इसमें कब मैं सेल कर पाऊँगा, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कब मैं कर पाऊँगा, कब मैं कर पाऊँगी। इनको ज़िंदगी में ना शॉर्टकट सक्सेस चाहिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखते हैं ऑफकोर्स, एंड दे विल बी वेरी मच यू कैन से दैट अफेक्शनेट फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आपका आपके हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे एक माँ की तरह, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपका केयर करना, अटेंशन देना आपको। ये अपना जैसे शरीर का चर्चा करते हैं आपको भी बोलेंगे, एंड डेफिनेटली दे आर लाइक दे आर अबंडेंट इन देयर लाइफ, चाहे वो जितना भी पैसा रोजगार करते हैं दैट इज़ एनफ, ठीक है, वो बहुत काफ़ी है उनके लिए। दे ऑल्सो स्पेंड ऑन लग्जरी आइटम्स और समथिंग लाइक दैट। यू विल मीट देम इन अ पब्लिक प्लेस, मे बी हो सकता है कि उनका पहले से ही, अगर ये सेकेंड मैरिज है या आपका, हो सकता है उनका पहले से एक चाइल्ड हो इस तरह से, लेकिन आपको ये छुपाया हो ऑल राइट, बट ये आपको पहले से पता चल जाएगा। मे बी नहीं भी हो सकता, एंड यू विल हैव बेबीज आफ्टर मैरिज। ये इंसान आपसे काफ़ी कमिटेड रहेंगे, ठीक है, अगर आपको इन्होंने हाँ बोला तो ही, अगर आपको इन्होंने कुछ भी नहीं बताया तो आप श्योर नहीं हो सकता है कि आपको कब हाँ बोले या ना बोले। सो जब तक ये आपको हाँ ना बोले तब तक आप इनके तरफ जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसका रिजल्ट जीरो निकलेगा। क्योंकि जब तक ये इंसान डिसीशन नहीं लेंगे, बिकॉज आई डू थिंक सो दे आर प्रिटी कन्फ्यूज्ड, ठीक है, इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये अंधे हो जाते हैं जब भी रिलेशनशिप का बात आता है। मे बी इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी ओपन रखते हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के घर में काफ़ी ज़्यादा सजावट होगा और काफ़ी ये इंसान शौकीन होंगे पुराने चीज़ों को अपने घर में रखते। देयर होम इज़ लाइक अ म्यूज़ियम, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़, स्टैचूज, दिस थिंग दैट थिंग उनके घर में होंगे। दे ट्रैवल अ लॉट बट दे ऑलवेज कीप देमसेल्व्स बैलेंस्ड। ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग के द्वारा ये अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, ओके। और ये आपको ज़रूरी नहीं कि आपको टाइम टू टाइम ये कॉल करे, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली बिजी इन देयर लाइफ। इस बात को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं इन फ्यूचर, सो बेटर बी केयरफुल कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इनको वो नहीं पसंद, ओके। एंड ये इंसान के ऊपर शायद आप आशा छोड़ दोगे कि ये तो मुझे मिलने वाले तो है नहीं, बट तभी जाके एक सिग्नल आपको ज़रूर मिलेगा कि नहीं, दिस पर्सन इज़ मेड फॉर यू एंड यू विल मीट, देर इज़ अ फॉरएवर कनेक्शन विद द इन्फिनिटी साइन, इट मीन्स इनफाइनाइट, इट्स अ एट, ठीक है, एट यहाँ पे इनफाइनाइट है, बिकॉज असीम है, अनंत है, इसका नाम हो सकता है असीम, अनंत, ठीक है, ओके। सो लेट मी, दे लव चीज़, ओके, चॉकलेट्स, वेरी मच यू कैन से प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, बट हेल्दी भी खाना इनको पसंद है, बट वो सब भी वीकेंड्स में खाते हैं। खाना पसंद है, मैंने आपको बताया, पाव भाजी, ये सब चीज़, ठीक है, नूडल्स, एवरीथिंग लाइक दैट विद स्पाइसी, ठीक है, मे बी आपको भी पसंद होगा।
सो लेट मी सी, बिकॉज यू कैन सी दैट ये डाइनिंग रेस्टोरेंट्स इस तरह का जगह पे जाना, ट्राई करना अलग अलग खाना, हो सकता है ब्लॉगर हो, फूड ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेट करते हो, स्पाई या डिटेक्टिव एजेंसीज में हो, मे बी CBI हो सकता है, क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई एम सॉरी, दे आर वेरी मच ट्रूथ सीकर, सत्य के जो ऊपर आधारित चीज़ें वो देखते हैं, कोई भी सीरियल हो जो सत्य चीज़ें के ऊपर आधारित हो। अच्छा, आज पता नहीं मेरा मुंह से बहुत कुछ वर्ड्स निकल रहा है, ये एक उड़न खटोला आप देख रहे हो, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये जो है उनको ऐसे ही आसानी से मिल गया, नो, अभी वो अपने जीवन में जब आप उनको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, एक जगह पे रहना जो उनके घर नहीं है, वहाँ पे बहुत सालों तक रहना, अकेले रहना, ठीक है, और बहुत अपने ही काम को मैनेज करना, आप जानते ही हैं अकेले जब हम लोग रहते हैं तब हमें हमारा खुद का चीज़ मैनेज करना ही पड़ता है, और जब हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो मॉम एंड डैड तो है ही हमारे लिए। सो दे हैव मैनेज्ड देमसेल्व्स एंड दे आर वेरी मच क्यूरियस, बहुत क्यूरियसिटी होगा उनको आपके बारे में, स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे, आपका प्रेफरेंस चेक करेंगे, आप कैसे इंसान हो वो भी उनको शक होगा। दे डोंट ट्रस्ट एनी वन, आई एम टेलिंग यू, बट एक बार ट्रस्ट आ गया सो दे विल कमिट टू यू। अगर वो कमिट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यही है, आइदर तो उन्होंने ऑप्शंस ओपन रखा होगा या तो ये रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बट नो वन कैन यू कैन से सेपरेट यू, कोई भी आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा है गाइस, ये एक हीलर भी हो सकता है, ओके, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल फील्ड ऑल्सो, ओके, बैंक मैनेजर ऑल्सो, बैंकिंग जॉब्स में है, अकाउंट्स ऑडिटिंग, ऑडिट करना, कंपनी जाके ऑडिट करना, ऑडिटिंग का रिपोर्ट्स देना, बजट बनाना। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है, ओके, दे कैन बी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ओके, सारे नक्षत्र बोलने का अभी टाइम नहीं भी है और इतना ज़्यादा बोलूँगी तो एक्सेसिव हो जाएगा रीडिंग। नाउ लेट मी गो फॉर, अच्छा, हो सकता है कि आप जिस दिन उनको मिलो मे बी अमावस्या हो, ठीक है, या क्रिसेंट मून हो, कोई रेस्टोरेंट्स, होटल्स या कोई पब्लिक स्पॉट, कोई ऐसे हॉर्स रेस एरियाज, या आप मिल सकते हैं इनको अपने केबिन में, या आपके बॉस हो सकते हैं जो आपके ऊपर बहुत नज़र है, ठीक है, ओके, सो लेट मी सी देयर इनिशियल्स। आपके पर्सन के इनिशियल्स हम देख लेते हैं, ओके, यूरोप, मे बी देयर कंपनी इज कनेक्टेड टू यूरोप, या यूरोपियन नेशन से कनेक्ट है, मे बी नेदरलैंड्स, मे बी जर्मनी, मे बी फ्रांस, ओके, NRI अब्रॉड में स्टे कर चुके होंगे ये। पहले आपको देख के काफ़ी जेलसी फील करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा मे बी आप इनको नहीं पसंद करोगे। देखो यहाँ पे भी 5-3-8 आ रहा है, यहाँ पे 9 या 6 इज इम्पोर्टेंट एंड W, ओके, ऑलराइट, सो यूनाइटेड नेशंस, USA कैन बी इम्पोर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन बी इम्पोर्टेंट, अगर आप फॉरेन कंट्रीज के लिए देख रहे हो तो, ओके, राइट, सो कुछ लोग, आप लोग ऑलरेडी इस इंसान को देख चुके हैं, मिल चुके हैं कोई इंटरनेट प्लेटफॉर्म में, इनके पास SUV गाड़ी हो सकता है, XUV गाड़ी हो सकता है, ऑलराइट, और कैन यू सी दिस, ओके, दे कैन, आई डोंट नो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दे कैन बी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो,
हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, इनके खानदान रिलेट होता है, ज़रूरी नहीं कि वही खुद पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो। ओके एंड ऑलराइट, आदित्य, अनिमेश, आशा, बानी, ओके लवनी, ओके लवनी हो सकता है कि यस ललिता, ओके सो इतना तक मैं बोल पाई हूँ। अगर आप देख लेना, आपके नाम के अंदर भी हो सकता है ये इनिशियल्स, या उनके नाम के अंदर, या सिटी नेम हो सकता है। नाउ विल प्रोसीड फॉर ग्रुप नंबर बी। आप डायरेक्टली स्टैम्प में जा सकते हैं, टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है, किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सो दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर ग्रुप नंबर बी। ओके हाय हेलो ग्रुप बी। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 3rd, 4th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 20th, 21st, 25th, 26th, 27th एंड 30th, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। देख लेते हैं, बहुत सारे कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है। ये कार्ड को हम फर्स्ट में रखते हैं। वी डू हैव द फूल कार्ड। ओके यहाँ पे है हमारे पास टोटली बनानास। वी डू हैव द फाइव ऑफ वैंड्स। ओके वी डू हैव द सन ऑफ कॉइन्स। कैन यू सी, दिस इज द सन ऑफ कॉइन्स। ओके वी डू हैव द एस ऑफ कॉइन्स। ओके यहाँ पे है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। ओके वी डू हैव लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस अभी आ गया, छोटा पैकेट लेकिन बहुत बड़ा धमाका। लास्ट में तो हम इनिशियल्स देखे आएंगे, प्लीज़ मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है दैट इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। एवरी कार्ड आई एम शोइंग एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एक्शन। ओके एक्शन हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके इस कार्ड से हम देख रहे हैं एट ऑफ वैंड्स। आप देख ही रहे हो ना कितना डेक्स मैं यूज़ करती हूँ, और आपके क्लैरिटी के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और इतना अगर मैं शफल करने बैठी तो 15-20 मिनट तो वहीं पे लग जाएगा। कुवावत दैट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। यहाँ पे है सोम, सोमरस। यहाँ पे है रिलैक्सेशन। यहाँ पे है हमारे पास एट ऑफ कप्स। अभी हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। देखो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स दो टाइम आया यहाँ पे, मैंने देखा भी नहीं, और जब मैंने अभी मैं देख पा रही हूँ दो टाइम यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एट ऑफ कप्स ऐसा कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि विद द फाइव ऑफ वैंड्स। ओके यहाँ पे है फूल कार्ड। एक्वेरियस, कुंभ राशि है यहाँ पे, और राइट लियो है यहाँ पे। सारे साइंस आ चुके हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपने ये कार्ड तो सिलेक्ट किया ही था, ऊपर से मैं आपको यही बोल रही हूँ कि एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर है वैसे ही है। ये इंसान खुद के अंदर जो आपको बाहर ऊपर से दिखाई देगा, वही वो अंदर से है। छल कपटता नहीं है, शो ऑफ नहीं करते, इगोइस्टिक, बहुत ही कम टेंडेंसी है,
बाहर वो अगर बोलेंगे कि मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ, तो अंदर से भी वो विरोध करेंगे। ऐसा नहीं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हाँ 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 हम तुम्हारे साइड पे ही है, बाद में क्या करते हैं पीछे जाके, अरे नहीं मुझे क्यों जाना, मुझे नहीं करना, मतलब ऑपोजिट, राइट। सो यहाँ पे ऑपोजिट नहीं, इट्स ए सिमिलर लाइक, सो बिलो एज अबव। अगर प्लस फाइव है तो यहाँ पे भी माइनस फाइव है, आप देख रहे हो ना, ट्रू रिफ्लेक्शन। आप इस इंसान के भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जैसे आप वैसे वो, आप अपने आप को इमेज में देख लो, आपको उनकी छाया मिल जाएगा। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट। 35 द नंबर, 8 इज इम्पोर्टेंट, 85000 आप देख सकते हैं, 88 इज इम्पोर्टेंट, 888 यहाँ पे आया, और सैटर्न काफ़ी भारी है उनकी चार्ट में, कुंडली में सैटर्न काफ़ी भारी है। सो डिले से मतलब बहुत ज़्यादा लेट प्रोग्रेस हो सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन सीख चुके होंगे जब वो आपके नज़दीक आएंगे, वो काफ़ी मच्योर्ड हो चुके होंगे। एंड दे ऑलवेज आई डू थिंक सो कि वो अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ भी डील करते हैं। कैन यू सी दिस एस ऑफ कॉइन्स? आई कैन सी अ बिग साइज गोल्ड कॉइन। ठीक है, हो सकता है कि इंसान रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, ठीक है, उस तरह के चीज़ों में इन्वेस्ट करे, गोल्ड माइंस। ठीक है, कुछ लोग आपके पर्सन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास ज्वेलरीज हो, काफ़ी ज़्यादा, बट ये शो ऑफ नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही कह दिया, शो ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जायदाद हो सकता है, ये हमेशा ही बहुत सारे जॉब्स को ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करियरिस्टिक रहे हैं, पर काफ़ी मल्टीपर्पस है। ठीक है, उनको ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर पाते हैं। कभी कभार हो सकता है, सॉरी, ओके, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा जॉब किया कि जनरली इनके लिए ना हमेशा ही इस तरह से रहा है कि दे हैड टू चेंज प्लेस, उनको रेजिडेंस चेंज करना पड़ा, और ये काफ़ी केयर फ्री है, ये किसी को इतना भाव नहीं देते हैं। अगर हाँ, जिनको वो प्यार करेंगे, दैट इज टूवर्ड्स यू, एंड डेफिनेटली दे विल बी डेडिकेटेड। ये हमेशा ही जस्टिस 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 करेंगे कि उस सबको समानता से नहीं मिलता, कि उस सबको सबका हक नहीं मिलता। इट्स लाइक द पॉलिटिशियन वर्जन, बट एक्चुअली इन अ वेरी डिवाइन वे, क्यों नहीं मिलता। सो दे आर लाइक यू कैन से एक्टिविस्ट एनर्जी, रिवोल्यूशनिस्ट, हमेशा ही नए चीज़ की शुरुआत करना। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो दे ऑलवेज लुक फॉर स्टेबिलिटी, हमेशा ही जहाँ पे स्टेबिलिटी होगा वो वहीं पे जाएंगे, चाहे वहाँ पे कम भी सैलरी हो तो चलेगा, लेकिन स्टेबल जॉब होना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं, दे आर लाइक दे डू अ जॉब विच इज़ लाइक बहुत सालों से एक जगह पे वो काम करते आए हैं, रिलैक्सेशन। इनको लोग देखते हैं दूर से, भाई कितना ज़्यादा ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये खर्चा करते हैं जहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, बहुत ढेर सारा खर्चा कर देंगे, चीज़ें लेंगे, आराम फरमाएंगे। और जब जॉब की बात होगी या करियर की बात होगी, काफ़ी सीरियस हो जाएगा। इनको आने से पहले आपको हमेशा ही साइंस दिखना शुरू हो जाएगा, मे बी 888-888-00 इस तरह से हो सकता है। ओके, और आई डू फाइंड लाइक दैट कि इनके पास हमेशा ही देखो कि आपके पास भी ये इंसान आने के बाद ना आपके जैसे गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके भाग्य जैसे खुल जाएंगे, जैसे लक्ष्मी योग और राजयोग होता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुआवत, आई डू फाइंड दे आर वेरी लॉयल ऑल्सो, दे आर वेरी रॉयल ऑल्सो। फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा छोटी सी बच्ची जैसा है ये, चाइल्ड लाइक क्वालिटी, बट एक चाइल्ड जो है वो हमेशा ही सुंदरता और सिंप्लिसिटी के प्रतीक होता है, और काफ़ी ज़िद्दी भी है। ठीक है, एंड दे आर फॉन्ड ऑफ ओनली कमिटमेंट, उनके साथ आप कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। ठीक है, वो कभी अग्री नहीं करेंगे। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन जर्नलिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं,
ओरेटर हो सकते हैं, अच्छा रिसाइटेशन पोएम्स बोल सकते हैं, बोलने की ताकत काफ़ी ज़्यादा है, रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज में अच्छा से बात कर सकते हैं. सोमरस, आई डू फाइंड दिस इज लाइक अ डिवाइन मशरूम जो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करेगा. आप दोनों की रिलेशनशिप जैसा वायरल हो सकता है, ओके ऑन द इंटरनेट. यू कैन से दैट आपकी जो दोनों की जोड़ी होगी काफ़ी देखने लायक होगा और सब लोग अप्रिशिएट करेंगे. अगर आपने एल्बम दिया, फोटोज दिया, जैसे सब लोग देते हैं, यू विल गेट लॉट्स ऑफ लाइक्स, कमेंट्स. सो दिस इज कॉल्ड लाइक अ जोड़ी विच इज मेड इन हेवन. ओके एंड मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए रिश्ता आपके सेकेंड मैरिज हो सकता है या थर्ड. यू विल कम आउट फ्रॉम अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप से पीछा छूटा, अच्छा हुआ आपको लगेगा, अरे बेहतर है मैं अकेला रहूँ, अकेली रहूँ बेहतर है, आई डोंट नीड टू गो फॉर द पास्ट रिलेशनशिप. एंड तभी ये जिंदगी में आपकी एंट्री होगी, ये एंट्री मारेंगे आपकी लाइफ में. पहले दफ़ा में आपको लगेगा नहीं मुझे अपने करियर में फोकस करना चाहिए, एंड आई डू थिंक सो दैट ये जो इंसान हैं ये आपको बहुत मोटिवेट भी करेंगे, और एक बार इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट दिया तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब कभी नहीं ऐसा होगा कि ये आपको मतलब धोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे, बिकॉज आई डू फाइंड देयर इज लॉट ऑफ लॉयल्टी इनसाइड. और काफ़ी सुंदर होंगे इनके चॉइसेस, काफ़ी क्लासी होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते होंगे और फूलों की तरह मासूम, ठीक है, एंड खिलता हुआ सुंदरता, सिंप्लिसिटी इनके अंदर आप देखोगे. बट कभी कभार ये अपने निजी ज़िंदगी में भी बहुत ऐशो आराम भी फरमाते हैं, मतलब उनको चाहिए लग्जरी, ठीक है, चाहिए हैप्पीनेस, चाहिए सब कुछ, लेकिन अंदर से फिर बचपना हरकत भी करेंगे, चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़. ये हमेशा ऐसा सेटलमेंट नहीं चाहेंगे आपके साथ जहाँ पे मैंने आपको बार बार ही कहा कि वन नाइट स्टैंड, फिजिकल रिलेशनशिप्स, नो. Until and unless they get commitment, they will never do that. Okay. So, आपकी ज़िंदगी में big happy changes तो आएगा ही इस इंसान के साथ. आप देखो कि आपकी career भी बहुत अच्छा होता जाएगा in a great manner. ये आपको काफ़ी ज़्यादा सिखाएंगे भी कि किस तरह से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने जीवन में. शायद आप अपने past को लेके stuck हो चुके होंगे, लेकिन ये इंसान सिखाएंगे. और ये इंसान चाहेंगे जितना वक्त ये आपको दे रहे हैं वो भी आपको दे. अभी हम देख लेते हैं गाइस, आई डोंट थिंक सो देयर इज मोर टू से, बट आई फील द टोटली बनानास इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई फल नहीं मिल रहा है आपको तो केला खा लो, इस तरह से नहीं है. केला जो है फल वो काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, एंड इट बूस्ट्स मेटाबॉलिज्म. और काफ़ी ज़्यादा अगर कुछ लोगों का मतलब काफ़ी ज़्यादा थिन है तो उनको खाना चाहिए. सो यहाँ पे टोटली बनानास मतलब ये नहीं है कि बनानास काफ़ी अवेलेबल है बोल के उसका वैल्यू जो है वो कम हो गया, ऐसा नहीं है. मे बी दे आर अवेलेबल, जब भी आप उनको बुलाओगे तब वो आपके सामने अवेलेबल होंगे जस्ट बिकॉज कि वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका वैल्यू नहीं है. सो दे हैव लॉट ऑफ डिग्निटी, मैंने आपको बताया. सो लियो, दिस लायन हैज़ मच मोर डिग्निटी, उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है. लोग उनकी इज्जत को बिगाड़ के रखे तो वो दिखाएंगे मज़ा फिर, ऐसा इंसान है वो. लेकिन आपके सामने काफ़ी सिंसियर, काफ़ी पोलाइट, काफ़ी हम्बल रहेंगे क्योंकि वो आपको प्यार करेंगे इसलिए. नाउ लेट मी सी द इनिशियल्स, देख लेते हैं. R-O-0-3-8-V-W-E जॉनीता, किसी का नाम हो सकता है जॉनीता, जया, जिया. अगेन 25-7 हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. 7-8-3 ओके बेड. सो देयर योर सेक्सुअल केमिस्ट्री विल बी ग्रेट. Okay, you will be passionate of each other. Okay.
दे कैन हैव अ बाइक, देयर मेल. ओके, बाइक्स के काफ़ी शौकीन होंगे. नेशनल हाईवे से हो सकता है कि काफ़ी ट्रेवल कर चुके हो या करते हो. ओके, एंड रिलेटेड टू टेलीविजन इंडस्ट्री हो सकते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जॉब कर सकते हैं. दे कैन बी इन अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन. ओके, एंड फाइनेंशियल पार्ट इनकी काफ़ी अच्छा है. हमेशा स्ट्रांग फाउंडेशन के ऊपर विश्वास रखते हैं. ऐसा कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते जिसका फ्यूचर खराब है. ठीक है. ओके, सो दे कैन बी अ डेंटिस्ट ऑल्सो, दे कैन बी डॉक्टर, दे कैन बी ऑफ कोर्स ENT स्पेशलिस्ट, पता नहीं क्यों आ जाता है. ओके, 10/10 अगर आप रिव्यू देना चाहो. सो ये इंसान आते ही आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेके आएंगे. सो दिस इज़ अ 10/10. ओके, ऑलराइट. हरियाणा से हो सकते हैं. ओके, एंड आपके और इनके डिस्टेंस मे बी रोड डिस्टेंस हो सकता है. ओके, निहार, निहारिका हो सकता है. ओके, नैना हो सकता है. इनकी आंखें बहुत सुंदर होंगे. ओके, डीजे, दे कैन बी इन द डीजे फील्ड. ओके, लाइफ पाथ नंबर 3, 2, 5 एंड 8. सो आप लोग देख लेना. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग. ये जो इनिशियल्स है ये उनके नाम पे या आपके नाम के अंदर हो सकते हैं और भी सिटीज या कुछ. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो. सेक्स वे ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज, एंड लव यू अ लॉट, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.